हेलो दोस्तों गुड इवनिंग कैसे हैं आप सब आप सभी अच्छे होंगे मस्त होंगे बिंदास होंगे जकास होंगे तो अभी हो रही है शाम और आज है संडे आज है सत्रह तारीख आज सभी लोगों को विश्वकर्मा पूजा का विश्वकर्मा भगवान की का सेवा सब बना रहे और मैंने हमारे यहाँ मतलब मैंने नहीं की क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ा सा डर चल रही है वो कह रहा है रुक रुक के मतलब सीधा आ रहा कल फले बच्चों की हुई और ये देखो ये कौन है <laughs> यार सुबह ऐसी सोया रहता है मतलब मैं अगर लेटी हुई तो ये मतलब ऐसे लेटेगा बच्चे की तरह जैसे छोटे बच्चे सोते हैं ना पेट दादाता आने वाला होता है तो था कि कल पहले बच्चों को हुई थी खांसी फीवर स्टार्ट हो गया था उनको जैसी दवाई कराई फिर पापा फिर भैया पापा को दो तीन बार फिर से करा दी भैया भी ऐसी हो रहा है और <laughs> और फिर बच्चे वो मतलब पापा पापा को भी कल गुल चढ़ाया था वो क्लिप मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगी कुछ ऐसी वीडियो होती हैं जो हमारी मेमोरीज के लिए होती हैं वो मैं मेमोरीज के लिए रखना चाहती हूँ क्योंकि आपने देखा होगा सीधे से हम किसी ब्लॉग में या किसी वीडियो में हम किसी अदर परसेंट को नहीं लेते हैं लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हो जाती है कि हमें मेमोरी के तौर पर वो वीडियो रखनी पड़ती है तो मेमोरी के तौर पर रखती हूँ उसको अपने सामान क्योंकि फ़ोन में स्पेस नहीं रहता फ़ोन में बच्चे भी रहते कभी वीडियो डिलीट हो जाती है कभी कुछ हो जाती है तो वो सिर्फ हमारे पास एक यादें हैं अब हम जितना उनको रख सकते हैं और आप लोग कितना शेयर कर सकते हैं बहुत लोगों की ये थिंकिंग रहती है ना कमाते इतना है इनके पास बहुत सारा पैसा है तो कमाते हैं तो है जनाब भगवान हमको देता है लेकिन होता क्या है कि हमारे घर में एक पेशेंट मतलब ज़्यादा दो तीन पेश पापा पापा को हमारे घर में रोग है आपको क्या रोग है अगर आपको जानना होगा मुझे बताइएगा भैया कभी हमारे रोग है और रहा हम लुढ़कते रहते हैं कभी है होते रहते हैं तो क्या होता है कि पैसा एक हाथ से आता है दूसरे हाथ से चले जाता है और जिस घर में मरीज होता है ना उस घर में स्थिति क्या होती है हमको पता है हम जब मैं थर्ड क्लास से हूँ तब से मैं देख रही हूँ हमारे पापा के पास कितना लगता रहता है सर साल में फिर से एडमिट होते रहते हैं उन्हें फिर से दवाइयाँ लगती रहती हैं उन्हें कर मतलब बीमारी बड़ी है लेकिन परहेज नहीं करते हैं तो क्या करेंगे तो यह है और थोड़ा सा मैं वीडियो आपको अपडेट देने के लिए बना रही हूँ आज मेरी मतलब जो आज मेरी सुबह इसको वाले आ रही है कॉफ़ी फेस पैक की आई थी वो मैंने पहले से बना के रख ली थी क्योंकि मुझे वो ऐसे इमरजेंसी में ना हमें तीन चार वीडियो शूट करके रख लेनी पड़ती है ये कर, कब क्या हो जाए हमारे पास एक पेंडिंग में रहता है और आप लोग हमारी एक फैमिली हो तो हम लोगों का फर्ज बनता है कि हम डेली आपसे जुड़े रहें ब्लॉग के से नहीं किसी ना किसी तरह से हम लोग आप के साथ जुड़े हुए हैं और तो यही है आज की अपडेट की तबीयत भी थोड़ा डल चल रही है और कुछ मैं पीछे से ऐड कर रही हूँ उसको देख लीजिएगा और लोग बहुत लोगों की थिंकिंग होती है अरे यार इनके पास इतना पैसा है ये है वो है कहाँ डालते हैं ये तो हमारे पैसा हो घर में दो दो मरीज आदमी है उनके पीछे लगाना पड़ता है जहाँ अगर मरीज आदमी होता है ना आदमी बिक जाता है वही हमारे साथ भी है लेकिन भगवान की दया है कि हम हमें पास हमारे साथ कोई नुकसान नहीं होता है अगर हम सेवा दिल से करते हैं तो भगवान उसका हमें फल देता है बहुत सारे लोग मम्मी से कहते हैं कि अभी तक मतलब पापा अभी तक ऐसी स्थिति में फिर भी हैं तो वो कुछ ना कोई भगवान की देन होगी जो हमारे साथ हमारे पापा हैं अभी तक हैं और आगे भी रहेंगे हमारी भावना में कोई कमी नहीं आज और ना ड्राई में नहीं लगा हाथ सिर्फ इतना दर्द और रद कल से दवाई भी खा रही दूँ थोड़ा देर सही हो रहा फिर हो जाए थोड़ा देर सही हो रहा फिर हो जाए तो ये थोड़ी सी अपडेट है आज लो लोग उन लोगों को मौका मिल गया होगा जिन लोगों को लगता है ना इनके के पास बहुत पैसा है ये लोग पैसा कहाँ डालते हैं तो उन लोगों के लिए मेरा आज का जवाब है ठीक है हम लोग हमारा पैसे यहाँ जाता है हमारा भगवान देता है चारों साइड से देता भी है लेकिन क्या करें हम अपना फ़र्ज भी तो पूरा करना है और घर में पैसे न आदमी हो तो आप लोग को पता कि आदमी पीखने की नौबत तक आ जाती है और बच्चों ने कमरों का हाल ऐसा कर रखा सुबह से बारिश होती आई थोड़ा धूप आई शायद कल भी बारिश है कल से बच्चों के एग्ज़ाम में मैंने कुछ स्टडी नहीं कराई है एक पहले मैंने करा दी है लेकिन कल से मेरी भी तबीयत डल हो गई है तो मैंने अभी तक बड़ा वाला तो अपना पाँच बजे से बट के उठ के पढ़ने लग जाए छोटे वाले को कुछ किसी के समय कल ले रहा है आके और ये देखो ये फिर भी धनो तरना बिल्ला बैठा हुआ है अभी तक गोद में तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट जैसे जैसे अपडेट होगी आपको बताते रहेंगे